और अब बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसका सीधा सरोकार है दिल्ली वालों से। यहाँ पे ई रिक्शा को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। भारत सरकार ई रिक्शा को चलाने को लेकर कानून के बारे में दिल्ली हाईकोर्ट को बताएगी। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट में साफ कहा था कि वो ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लाना चाहती है, लेकिन ऐसा करने के लिए सरकार ने 2 महीने का समय मांगा था और तब तक ई रिक्शा चलाने देने की इजाजत भी मांगी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की मांग को खारिज करते हुए ई रिक्शा से जुड़ा कानून बनाकर पेश करने को कहा था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछली सुनवाई के दौरान ई रिक्शा चलाने को लेकर एक योजना पेश की। सरकार ने जो मसौदा पेश किया उसके मुताबिक ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा, जिससे उनका पंजीकरण और बीमा सुनिश्चित हो सके। ई रिक्शा की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इनमें 4 लोग और 50 किलो से ज्यादा का वजन नहीं लादा जा सकता। ये निगम और ग्राम पंचायत क्षेत्र में ही परिचालित होंगे। लेकिन सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि 2 महीने तक वो कानून को निलंबित करके ई रिक्शा के संचालन की अनुमति नहीं दे सकता।